दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की विभागों में जितने पद यहाँ पर खाली हैं उन पदों के बारे में हम बात करेंगे। जिन पदों पर जो है आयोग के पास अध्याचन यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं उन पदों के हम बारे में बात करेंगे कि आखिर ये भर्तियाँ क्यों नहीं करा रही हैं, आखिर सरकार यहाँ पर चाहती क्या है। लगातार लोग जो है यहाँ पर बार बार सवाल उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उत्तराखंड सरकार आखिर भर्ती यहाँ पे कब करने वाली है, और उत्तराखंड में सरकारी विभागों में जो है लगातार बार बार यहाँ पर जो है रिक्त पद होते जा रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और वहीं यहाँ पर आयोग के पास जो है UK SSC हो या UK PSC हो, उन सभी के पास जो है अध्याचन यहाँ पर इतनी ज़्यादा आ चुके हैं अभी तक के कि इन पर जो है भर्ती होनी है, लेकिन अभी तक जो है आयोग इन पर डिसीजन नहीं ले पा रहा कि भर्तियां यहाँ पर कब तक निकालनी है। बार बार आयोग भी यहाँ पर ठग रहा है लोगों को कि कह रहा है कि भर्तियां यहाँ पर निकालनी है, लेकिन इतने पद आ चुके हैं, आपको क्या बताऊँ। तो चलिए देख लेते हैं कितने पद यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर आयोग जो है कब भर्ती इन पर कराने वाला है, और सरकार जो है कब जो है बेरोजगारों के लिए जो है रोज़गार खोलेगी। और बार बार रोज़गार की बात करते हैं, लेकिन सरकार जो है बेरोजगारों के लिए अभी तक कोई भी अच्छा उपाय यहाँ पर नहीं कर पा रही है, क्योंकि बार बार जो है यहाँ पर कह रहे कि इतनी भर्तियाँ, लेकिन आपको बता दूँ कि रियल लाइफ में जो है यहाँ पर उत्तराखंड में सरकारी जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो रिटायरमेंट हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं आ रखी, तो इस वजह से यहाँ भर्तियों की जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बढ़ती जा रही लगातार, क्योंकि कुछ पद जो है नए सृजन भी किए गए हैं और कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है सरकारी पदों के जो खाली हैं वो ज़्यादा उनकी बढ़ रही है, और वहीं बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन भर्तियों के नाम पर अभी तक भी जीरो है। तो UK SSC के पास भी काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ हैं, और आने वाले टाइम पर ये भर्तियाँ करा सकता है, क्योंकि इन पदों पर जो है भर्तियाँ पे होंगी। तो चलिए देख देते हैं एक बार कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने कितने पोस्ट हैं, आखिर कितने पोस्ट यहाँ पर खाली हो चुके हैं, उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में 56,000 पद यहाँ पे खाली हो चुके हैं, और इन विभागों में यहाँ पे होनी है इनकी नियुक्ति। और उत्तराखंड के लगभग 141 टोटल विभाग हैं, उन सभी में 56,000 से भी ज़्यादा पोस्ट, यानी कि 56,474 पोस्ट इतने रिक्त हैं, और अधीन सेवा चयनायोग जो है इन पर भर्ती यहाँ पे कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद अध्याचन आ चुका है। और वहीं UK PSC के पास भी अध्याचन यहाँ पर जा चुके हैं कई पोस्ट के। और वहीं अप्रैल माह में जो इन्होंने वार्षिक बजट के अनुसार में बताया गया है कि उत्तराखंड में 56,000 से ज़्यादा जो है सरकारी पद यहाँ पे खाली थे। और वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर पिछले कई सालों से युवा जो है लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन इस दौर में जब आंदोलन की अनुमति नहीं है और प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बेरोजगारों की संख्या बार बार यहाँ बढ़ रही है। अगर ऐसे में यहाँ पर भर्तियाँ शुरू करते हैं प्रदेश सरकार, तो उन सभी के लिए जो है राहत मिलने वाली है, लेकिन अभी जो है सरकार के हालात देखते लगता है कि बिल्कुल भी ये भर्ती के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर भर्तियाँ निकालनी होती तो ये जो है भर्तियाँ सिर्फ पेपरों में ना छापते, सीधे डायरेक्टली निकाल देते। और वहीं आपको बता दो कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिन पर जो है अध्याचन यहाँ पे आ चुके हैं, और कितने कितने पोस्ट यहाँ पे खाली हैं वो बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इन विभागों यहाँ पर भर्ती होनी है। उच्च शिक्षा में आप लोग देख सकते हैं 2,130, यानी कि 2,000 से भी ज़्यादा हैं। और वहीं माध्यमिक शिक्षा में 9,663, यानी कि 9,000 से भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर विद्यालय शिक्षा प्राथमिक में देख सकते हैं यहाँ पे 3100 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। और वहीं विद्यालय शिक्षा माध्यमिक में बात करें तो यहाँ पर 3400 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। नवोदय विद्यालय में भी अगर बात करें तो यहाँ पर 290 पोस्ट हैं। निर्देशालय यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा में देख सकते हैं यहाँ पर कि 1700 पोस्ट यहाँ पर रिक्त हैं। और ऐसे में शिक्षा विभाग में कुल जो है 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट अभी शिक्षा विभाग में खाली हैं। और बात करें स्वास्थ्य विभाग, तो चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में जो है यहाँ पर 3400 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट खाली है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कहीं ज़्यादा पद हैं। और वहीं परिवार कल्याण में आप लोग देख सकते हैं 1300 भी ज़्यादा पोस्ट हैं। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 1300 के समथिंग यहाँ पर हैं। और इन पदों पर जो है भर्ती कराने के, और वहीं बात करूँ पुलिस विभाग में तो 1900 भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। और वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में देखिए 59 है, और यहाँ पर कारागार में भी यहाँ पर 400 के समथिंग जो है पोस्ट हैं। एक RTI का भी मैंने दिखाया था, RTI में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थे जो कि यहाँ पे UK SSC के बाद अध्याचन आ चुके थे। प्रीवियस वीडियो अगर देखा नहीं आपने, कुछ दिन का मैंने पहले डाल रखा था, उसमें वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि RTI में साफ साफ लिखा गया है कितनी कितनी पोस्ट हैं। लगभग जो है वहाँ पर भी 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, उन पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर होना था। और वहीं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सचिवालय प्रशासन विभाग में भी 668 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं।
तो लगभग आप लोग देखते हैं वन विभाग में भी यहाँ पे 2500 के समथिंग खाली हैं, उद्यान विभाग में भी यहाँ पे 1000 से ज़्यादा खाली हैं, लोक निर्माण विभाग में भी यहाँ पे 1300 से ज़्यादा खाली हैं। तो इन सभी पर जो है भर्ती हैं, और जो कि यहाँ पर जो है इन पर भर्ती जो है चयन आयोग करने वाला है और लोक सेवा आयोग करने वाला है, और अस्थायी भर्ती या फिर उपनल के जरिए जो भी भर्तियां हैं उन सभी हैं। और उपनल के द्वारा जो है अब सरकार ने कह दिया है कि सभी को जो है वहाँ पर मौका मिलेगा। पहले बैकडोर वाले भरते थे, लेकिन अब जो है खोल तो दिया है, लेकिन भर्तियां निकाले तो ही बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं आपको बता दो कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, लगभग जो है अभी 6000 के पद जो है प्रस्ताव हैं योग्यता परीक्षा के पास, और इस वर्ष जो है जुलाई तक जो है 3000 पदों पर जो है विज्ञापन भी निकाल चुका है आयोग, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अगले कुछ हफ्ते में जो है 2000 अन्य पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर संतोष बुरेन ने कह रखा है। लगभग जो है 2000 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने वाली हैं, और इसमें जो है सबसे पहले तो LT की पोस्ट थी इसमें आने वाली, तो अभी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम चल रहा है। अध्याजन तो आ चुका है LT का, लेकिन यहाँ पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये संतोष बुरेन चाहते क्या हैं, LT की भर्ती कब निकाल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अध्यात्म सब कुछ कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है LT की भर्ती में। UK SSC अपने पास रखा है भर्ती को, समझ में नहीं आता कब यहाँ पर रिलीज कर सकता है। हो सकता है सरकार के दबाव में उसने मना कर रखा हो या कुछ प्रॉब्लम हो, ये पता नहीं चल पा रहा है कि LT की भर्ती क्यों रोक रखी है। लेकिन सबसे पहले आप बात करें तो LT की भर्ती ही आने वाली है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के LT की भर्तियों को यहाँ पर छुपाया जा रहा है। लगातार ये कोशिश करे आ रहे हैं कि हम LT की भर्ती निकालें, लेकिन LT की भर्ती यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर लेट कर रखा है योग्यता परीक्षा ने, पता नहीं क्यों, ये जो है समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।